अनुप जी, आज आपने भाजपा से नामांकन किया है, ठीक है, क्या मानते हैं पार्टी का सिंबल मिलने से आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं? बहुत मुझे बढ़ जाती है जिम्मेदारी है। प्रथम दृष्टया आप देखेंगे कि विगत कई वर्षों से नगर पंचायत बनती में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस कारण नगर का समुचित विकास नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान समय में प्रदेश में भी है और केंद्र सरकार में भी है। अगर जनता हमें इस लायक समझती है और हमको चुनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से नगर का समुचित और बृहद विकास किया जाएगा। क्या मानते हैं जीत के चांसेस अब और बढ़ जाएंगे? आप पार्टी जीत के चांसेस पार्टी से मिलने के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का तो आशीर्वाद है ही है, इसके बाद हमारी जनता का आशीर्वाद है। जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्रथम प्राथमिकता बाराबंकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रेलवे क्रॉसिंग है, जिससे लगभग कम से कम 1 लाख की आबादी प्रभावित होती है। प्रथम प्राथमिकता यही है कि उस क्रॉसिंग पर अंडरपास का प्रस्ताव जो कि भी लंबित है उसको पारित करा के उसको अविलंब शुरू कराया जाए। दूसरी प्राथमिकताओं में जनसाधारण की जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, नाली, सड़क इत्यादि समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाए। भारत माता के अब टाइम हो रहा है, चलो पुरानी का फोटो खींचो भैया। अरे रुको, तुम हो साहब बहुत बड़ा नाम है बाबूजी दादू का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंडल अध्यक्ष भी तो बोलते हैं।